आज फाइनेंस वाले परेशान करते हैं हमें, बैंक वाले परेशान करते हैं, ट्रैफिक वाले परेशान करते हैं, आईटीयू परेशान करते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों 24 तारीख को जो है दिल्ली में एक मीटिंग थी। मीटिंग क्या एक पंचायत टाइप की थी, सभी ड्राइवर्स ग्रुप एडमिन एंड यूनियन संस्था टैक्सी लाइन से। लेकिन वहाँ पे जो ड्राइवर्स भाई, जो एडमिन संस्था जो भी पहुँचे थे वहाँ पे, 50-60 की तादाद में वहाँ पे पहुँचे थे सब लोग। इस तरीके से उस वार्तालाप हो रहे थे, जैसे कि मान लो वायरल हो रहे थे पर्चे हड़ताल वाले, उन पर भी बातें करनी थी। और भी बहुत सारे मुद्दे थे, फेयर को लेकर भी मुद्दा था एक कि भाई टैक्सी ड्राइवर को पूरा फेयर मिलना चाहिए, और इसके अलावा वगैरह वगैरह के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थी ड्राइवर्स को। वो सब बातें करी जानी थी वहाँ पे, लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा वहाँ पे कुछ भी क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि भैया ड्राइवरों का कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ड्राइवरों के अंदर एकता नहीं है। और आप लोगों को पता ही है, जब किसी व्यक्ति के अंदर एकता, यानी कि एक घर के अंदर एक ही परिवार, मान लो एक परिवार अगर मिलकर नहीं रहता है, परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं, तो पड़ोसियों को भी पता चल जाता है कि ये घर बेकार है, इससे दूर रहो और इसका कुछ नहीं हो सकता। पड़ोसी भी मजा लेने लग जाते हैं। इसी प्रकार आप सब लोगों की कंपनियों को पता है, और कंपनियों को आप लोग सोचते होंगे कि कंपनी को हमारे बारे में कुछ नहीं पता, तो ऐसा कुछ नहीं। सभी कंपनियों को पता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। इसी वजह से आपको ना तो आपका फेयर मिलता है, ना आपको आपका न्याय मिलता है। आपका जिस तरीके से शोषण हो रहा है उस तरीके से होता रहेगा, अगर आपके अंदर में जो है भाईचारा नहीं जाएगा तो। क्यों? जिस तरीके से वहाँ पर हो रहा था कि भाई मैं बंजैट चलाता हूँ, कि मैं बनारटी चलाता हूँ, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट चलाता हूँ, उस तरीके से कुछ नहीं होगा। बंजैट बनारटी वाले सिटी टैक्सी पॉलिसी मांगते हैं, तो भैया आपको 10-15 हज़ार बंदों से सिटी टैक्सी पॉलिसी नहीं मिल जाएगी, आपको साथ चलना पड़ेगा सबके। और कुछ लोग कहते हैं हड़ताल करेंगे, तो भैया हड़ताल करने से बताओ मुझे क्या मिलता है? आज तक कुछ फ़ायदा हुआ हो तो बता दो। हड़ताल ना करके और भी कई सारे और भी बहुत सारे रास्ते हैं जिसके कारण, जिस पर चलकर हम जो है अपना न्याय ले सकते हैं, अपना जो फेयर है उसे वापस पा सकते हैं, जिस तरीके से पहले फेयर मिलता था टैक्सी ड्राइवर्स को। वो सारा फेयर वगैरह और भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उन पर भी कर सकते हैं बात। और काफ़ी सारे लोग ज़्यादातर बात करते हैं तो फेयर के बारे में ही करते हैं, क्योंकि फेयर एक बहुत, जो फेयर हम लेते हैं आज की डेट में, हम मान लो CNG के दाम देखो कितना चल रहा है, पेट्रोल का दाम देखो कितना हो गया, डीजल देखो 100 के पार। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको फेयर की आवश्यकता है, क्योंकि भाई फेयर अब अच्छा मिलेगा तभी तो आगे चलेगी गाड़ी। और उसके बाद गाड़ी का मेंटेनेंस भी होता है, ड्राइवर का खर्चा भी होता है, कुछ हमें भी चाहिए, गाड़ी की EMI भी होती है, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। भैया इस मुद्दे पर बात करनी थी वहाँ, लेकिन मुद्दे की बात कुछ भी नहीं हुई। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा भैया कि एक हो जाओ, और भाई कहें भी तो क्या कहें, क्योंकि वहाँ पे पहुँचने के बाद शब्द कोई भी नहीं बचाता हमारे पास। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, चाहे ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट हो, चाहे सिटी टैक्सी हो, सभी लोग एक साथ चलो, कोई भी काम करो, धरना प्रदर्शन करो या कैसे भी कोई कुछ भी करो, तो एक साथ खड़े होकर करो। अगर एक साथ नहीं खड़े होगे तो कुछ भी नहीं होगा, कोई भी आपको कैसा भी न्याय नहीं मिलेगा, ना आपका फेयर बढ़ सकता कभी ज़िंदगी में। और इससे भी बुरे हालात आ जाएंगे अगर आप लोग आपस में फूट डालोगे तो। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहता मैं, बस इतना ही बताना चाहता था कि भाई अभी भी समय है, संभल जाओ, नहीं तो ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं आज, फाइनेंस वाले परेशान करते हैं हमें, बैंक वाले परेशान करते हैं, ट्रैफिक वाले परेशान करते हैं, आईटीयू परेशान करते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए आप सबको एक होना पड़ेगा, एक। बस जय हिंद, जय भारत।